एंड लेकिन नो पटर पटर सोल्विंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हंड्रेड परसेंट आज का दिन हम करेंगे तगड़े वेल, चलो इसी के साथ पीपल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज अमित रोहरा सर आई एम योर वर्वेलेबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक्सपर्ट uh, हमने किया है अभी तक बहुत सारे कॉल गेटर्स को ट्रेन जिसकी बदौलत कन्वर्ट कर पाए आई आई एम्स एंड स्कूल्स इतना सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन

देन आता है अजामशन भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वंस अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा ये एक स्पेशल वीडियो है लेकिन अगर आपको अजामशंस नहीं पता है नहीं आता है प्लीज जाके अमित सर के अजम्शन का वीडियो देखो फाउंडेशन बैच का फ्रीली अवेलेबल है आपको समझ जाएगा ठीक ठीक है है तो इज इज समथिंग दैट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बेटा ये आपको अज्यूम करना पड़ता है अमित सर बोलते हैं ये इज नथिंग बट ऑथर का थॉट प्रोसेस ठीक है जो ऑथर ने सोचा है सोच के क्या लिखा है और आपको ऑप्शन में से उसको लिंक करना है तो so, बेसिकली क्या है अजम्पन लीड्स टू प्रेमाइज विच लीड्स टू कंक्लूजन देख लो मैं यहां पे बना रहा हूं अजम्सन लीड्स टू प्रेमाइज दिस लीड्स टू कंक्लूजन ठीक है एंड इट इज नेसेसरी टू अराइव एट द कंक्लूजन अगर आपका अजम्पन गलत हो गया आपका थॉट प्रोसेस गलत हो गया उसकी वजह से डेटा गलत आएगा उसकी वजह से कंक्लूजन गलत आएगा एंड फाइनली वॉट इज स्टेटेड इंफुरेंस तो बेटा स्टेटेड इन्फुरेंस वो कंक्लूजन होता है जो एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली है ठीक है अनस्टेटेड इन्फ्लूंस वो होता है दैट इज दैट कैन बी डिराइव विद रीजनेबल सर्टनिटी बेटा रीजनेबल सर्टनिटी का मतलब है ऑलमोस्ट ठीक है मेजॉरिटी ठीक uh, major, है तो ये याद रख लेना ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज तो इसके दो अंतर तो बेटा ये टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ ये आरसी पैसेजेस में आने वाला है ठीक है स्टेटेड इंफ्लुएंस जो दिया है अनस्टेटेड इन्फ्लुएंस जो दिया नहीं है रीड बिटवीन द लाइन निकल के आ सकता है देख लो ठीक है, so, हो गए आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल मारो आराम से करो चलो अभी सर ये बताओ सॉल्व कैसे करें, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग, तो अभी ध्यान देंगे मेरे सारे रॉकस्टार्स, पहली बात तो बेटा प्लीज प्लीज रिमेंबर कोई भी चीज की कोई भी आर्ग्यूमेंट को कुछ भी सपोर्ट करने के लिए ठीक है सपोर्ट का मतलब क्या है सपोर्ट मतलब एनहेंस सपोर्ट मतलब एम्पलीफाई ठीक है सपोर्ट मतलब ग्रो ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको खरीदना है आईफोन फोर्टीन ठीक है आप मोम्बाइ के पास जाके जो प्रेजेंट करते हो वो आर्ग्यूमेंट्स है ठीक है एंड आप उसको सपोर्ट करने के लिए फिर एविडेंसेस देते हो है ना है ना अगर आपको चाहिए तो अगर आपको लेना है तो या कुछ भी यार ठीक है सो प्लीज रिमेंबर हमेशा इसका अजम्पन होगा तगड़ा एनहैंस द अजम्पन क्योंकि आप भी जो करते हो आप क्या अज्यूम करके आईफोन की आर्ग्यूमेंट प्रजेंट करते हो कि मेरे फ्रेंड के पास है आजकल इन है मैं मेरा यू uh, नो you know, मेरी पढ़ाई पढ़ाई तो बेटर हाँ ठीक है मेरा इंस्टाग्राम अच्छा हो जाएगा शो ऑफ हो जाएगा सी दोज आर योर अजम्पन्स योर अजम्पन्स मुझे आईफोन चाहिए रहते हैं ठीक है नेक्स्ट रिमेंबर ने स्ट्रेंद इन किया वहां पर अजम्पन को स्ट्रॉन्ग किया वीक इन करने के लिए अटैक दिन तो इससे क्या प्रूव हुआ अजम्पन बहुत इंपॉर्टेंट है Assumption strong तो argument strong. Assumption वीक तो argument ऑटोमेटिकली वीक हो गया Assumption क्या है थॉट प्रोसेस ठीक है अच्छा जैसे जब आप ये questions आओगे प्लीज चेक सुनो सुनो आप भी कि कोडिंग है, है सुन ले यार कोई बात नहीं है आज हम सॉल्व करेंगे मैं आपको सिखा दूंगा ठीक है योर लॉजिक शुड शुड नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ दर बेटा जितना ऑथर इसीलिए इसी इसीलिए ऑथर का पीओवी क्रिटिकल है एंड बेटा ये पीओवी के लिए कैसे निकालते हैं अमित सर के एडिटोरियल एनालिसिस देखो यार भरपूर वीडियोस बनाए हैं उसमें की वर्ड कैसे निकालते हैं टोन कैसे निकालते हैं यू नो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज पीओवी मैंने आपको दिखाया ठीक है एंड फाइनली एनालाइज करो ठीक है मेरे बच्चे बहुत ग्रॉन्ग हो जाते हैं बोलते रह जाते हैं सर सर आई डोंट नो वेर आई वेंट रॉन्ग सर टू ऑप्शन सुनो सारे मेरे एनालाइज द रीजन वाई यू थॉट द आंसर यू मार्क टू बी करेक्ट एंड एनालाइज द रीजन बिहाइंड द एक्चुअल करेक्ट आंसर सुनो सुनो बेटा देखो यही फर्क है आपने ए मार्क कर दिया आंसर बी निकला नाउ इट डज एंड कि आप गलत हो गए अभी ये जाके सोचो आपने ए क्यों मार्क किया देखो बेटा अगर आपने जल्दबाजी करा बिना सोचे समझे करा इनी मिनी माइनी मो करा जय माता दी करा जो भी करा न दैट्स गलत सो यू आर एट फॉल्ट अगर आपने कोई और रीजनिंग लगाई ठीक है लॉजिक अपना और बी आंसर निकला बेसिस ऑम लॉजिक तो पढ़ो अल्टीमेटली रिमेंबर इट इज द ऑथर्स थिंकिंग नॉट योर्स ऑफ माई थिंकिंग ऑथर ने क्या सोच के लिखा ये बेसिस पे क्या कंक्लूजन आएगा इसमें से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है सब कुछ ऑथर का भी ओवियर ठीक है चलो ज्ञान सेशन डन मिनिमम ज्ञान मैक्सिमम सॉल्विंग अभी शांति से मेरे सारे रॉकस्टार्स को सॉल्व करना है तो बेटा अमित सर ने क्या किया चुटे -चुटे पैसेज़ है क्योंकि ये वीडियो में आई कॉन्ट डिस्कस 500 वर्ड्स का पैसेज आप लॉजिक पे ध्यान दो सुनो समझो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं आप भी पढ़ो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ठीक है सो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड शांति से करना है मोस्ट रिपोर्टेज on Greece's exit from the EU has described it as a catastrophe. So catastrophe is a negative word. ठीक है? For Greece, this is entirely untrue. तो so, देखो बेटा, first उसमें ही author ने सीधा का सीधा premise को contradict कर दिया. पहला वाला premise था कि ऐसा ऐसा बोला गया है. Author ने बोला चल हट.

इतना काफी है ठीक है एंड नो अमाउंट ऑफ बेल आउट मनी अभी देखो बेटा का मतलब नहीं पता पता मनी का तो तो है है ठीक है? तो जो उसको निकाल सकेगा उसमें से ठीक है uh, क्या बेल आउट मनी कैन चेंज दैट इट इज इन द बैंकर इंटरेस्ट दैट ग्रीस कंटिन्यूज टू पे इंटरेस्ट ऑन अ डेट इट कैन नेवर रिपे ठीक है सो बैंकर लोग के लिए फायदा है ग्रीस के लिए फायदा नहीं है इट इज इन द बैंकर्स इंटरेस्ट ठीक है दैट ग्रीस वापस से बैंकर्स इंटरेस्ट बैंकर्स इंटरेस्ट देखो तो ये दो पॉइंट आ गए दैट ग्रीस इज डेट रिमेन्स ऑन दर बुक्स ग्रीस रिमेन्स अ डेट अफ फॉर

क्योंकि ऑथर ने खाली प्रॉब्लम नहीं बताए सोल्यूशन भी रीबिल्ड रीबिल्डर इकॉनमी विदाउट अ डिफॉल्ट पढ़ लिया अब आ गया सवाल इसका जल्दी, जल्दी, जल्दी जाके लाइव चैट में लगाओ ठीक है विच ऑफ इफ ट्रू देखो बेटा इफ ट्रू का मतलब वो डू मोस्ट टू स्ट्रेंथन मतलब कि यू हैव टू मार्क एन ऑप्शन दैट पैसेज ठीक है ऑथर्स मेन पॉइंट तो वापस अमित सर ने क्या किया क्वेश्चन को ब्रेक करो इफ ट्रू मतलब वो सब ऐसे है? क्या ऐसे इफ फॉल्स अगर यहां पे इफ फॉल्स होता आपको सारे के सारे ऑप्शन को नेगेट करना पड़ता नेगेट मतलब क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है चलो ग्रीक पॉलिटिशियंस एर नॉट द जनरल पब्लिक वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफलीगेट पेंडिंग दैट कॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस सुनो प्रॉफ्लिगेट वर्ड नहीं आता है एग्जाम में नहीं आने वाले मेरे को मत पूछो Amit सर प्रोफ्लिगेट मतलब स्पेंडिंग आता है ना बस इट हैजू डू विडिंग मतलब कि बहुत ज्यादा खर्चना ठीक है दैट कॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस इज दिस समिंग दैट विल स्ट्रेंथ इन ऑथर की वजह से ऑथर ने जो बोला है कि पॉलिटिशियन लोग का गलती है सोचो

टू वन तो बेटा देखो अभी ना बाकी सारे पॉइंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि उसकी मैं बात नहीं हुई है आंसर इज आंसर ऑप्शन बी सुनो समझो देखो द मेन पॉइंट इज दैट द डिफॉल्ट इज इन ग्रीस का बेस्ट इंटरेस्ट एनी इंफॉर्मेशन दैट पॉइंट आउट एडवांटेजेस ऑफ एग्जिटिंग और डिसडवांटेजेस ऑफ नॉट एग्जिटिंग विल स्ट्रेंथन ऑथर का मेन पॉइंट ठीक है बेसिकली ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ ग्रीक हैव बीन अनएम्प्लॉयड तो ये ना एक एक एडिशनल फैक्ट है पर सुनो सुनो ठीक है आप भी बोलोगे सर, क्या बोल रहे हो यूथ की बात कहां हुई है ऑथर का मेन पॉइंट क्या है, का ये है कि ग्रीस शुड डिफॉल्ट ये ध्यान दो तो ऑथर ने बोला है कि हंड्रेड परसेंट देखो बेटा पॉपुलर सपोर्ट की वजह से ग्रीस शुड डिफॉल्ट ये थोड़ा ये थोड़ा वेज है आई अंडरस्टैंड अगर आपने सी मार्क किया ठीक है ए वाला तो कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ठीक है या ए ए वाला तो क्योंकि हम लोग ये नहीं डिबेट कर रहे कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है कि पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है वो छोड़ दो पॉपुलर सपोर्ट आंसर वेग हो गया वेग मतलब अजीब हो गया कि जस्ट बिकॉज जनता को चाहिए कर दो तो कर दो तो, कोई लॉजिक या रीजन तो होना चाहिए उसका बैकिंग अच्छा डी बेटा इज टॉकिंग अबाउट स्पेन एंड इटली एज इट इज पीपल ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है अगर उसके बाद नाश्ते नाश्ते वो लोग भी चले गए हेंस इट आंसर ऑप्शन बी क्योंकि ऑथर इज सपोर्टिंग की देर शुड बी एन एग्जिट देर शुड बी अगर डिफॉल्ट नहीं करता है तो इसकी वजह से दिस विल सपोर्टेड करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी बेटा अगर समझा तो प्लीज जाके एक लाइक like, एक कमेंट्स में दिल लगाओ और एक फायर इमोजी लगाओ ठीक है अगर नहीं समझा शांत बैठो और सवाल है अभी तो पार्टी शुरू हुई है ठीक है नेक्स्ट पैसेज में हट रहा हूं पढ़ते हैं चिकुनगुनिया इज एन इंफेक्शन कॉज्ड बाय द चिकन गुनिया वायरस विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बाइट ऑफ दिस मॉस्किटो सो दिस इज योर प्रेमाइस दिस इज योर डेटा द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज विथ चिकन गुनिया इन द स्टेट ऑफ यूपी इज राइज द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज लास्ट ईयर ठीक है, so, इस तीन गुना से बढ़ गए भाई द कंसर्न अथॉरिटीज है स्टेट तो so, इसके बेसिस पे इतना तगड़ा आपका कंक्लूजन आया है कि मॉस्किटो लोग की तो चांदी ही चांदी सवाल आ जाओ Which of the ऑफ if ट्रू अभी देखो फिर से इफ ट्रू मतलब एज इट इज ऑप्शन को कुछ करना मत फॉल्स होता तो नेगेट करते वुड सपोर्ट द कंक्लूजन बाय द कंसर्ट अथॉरिटीज तो वापस एक बार ना बेटा इस केस में ना पैसेज में जाओ और कंक्लूजन को देख लो सर कंक्लूजन क्या है हाईलाइट कर देते हैं द कंसर्ट अथॉरिटीज हैव कंक्लूडेड दैट मेजर्स टू कंट्रोल मॉस्किटोज है तो अभी ऑप्शन को इवेल्यूएट करते हैं

स्टेट के एफर्ट्स हैव फेल्ड आपका ऑप्शन तारीफ के गुणगारा है सो so, देख लो सी अदर डिजीजेस लाइक डेंगी फीवर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटोज हैव इंक्रीज्ड इन नंबर ये देख लो ये आप बोलोगे सर सर ये तो निकाल दो डेंगू की बात थोड़ी ना हो रही है हाँ लेकिन यहां पे मॉस्किटोज की बात हो रही है दैट मींस अच्छा वापिस कंक्लूजन पे जाओ कंक्लूजन इज सेइंग दैट मॉस्किटोलोग की वजह से यह हुआ है मॉस्किटो की पॉपुलेशन नहीं बढ़ गई है इनफैक्ट ज्यादा एंड इसकी वजह से मॉस्किटो रिलेटेड डिजीजेस हो रहे हैं लुक एट आंसर ऑप्शन सी टी उत्तर प्रदेश हैज अ प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज हो भाई साहब इसकी वजह से हमारा कंक्लूजन स्ट्रॉ हो रहा है ई एक बोनस ले लो कैट में आएंगे मोर नंबर ऑफ आर रिपोर्टेड दिस ईयर ड्यू टू द अवेयरनेस इन पीपल ऑफ द थ्रेट ऑफ चिकनगुनिया अच्छा मतलब गवर्नमेंट ने सबको यू नो बता दिया है और बोला है इसलिए लोग ना ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं विच स्ट्रांगली सपोर्ट्स ऑथर का कंक्लूजन बेटा एक बार पैसेज देख लो पॉज कर लो सोचो एंड आंसर लगाओ पॉज करके सोचना मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ आई एम शोइंग द आंसर इन थ्री इन टू इन वन हंड्रेड परसेंट बेटा करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी ठीक है क्योंकि अथॉरिटीज ने क्या कंक्लूड किया मॉस्किटो लोग की वजह से बहुत ज्यादा सारे यू नो एफर्ट्स टू कंट्रोल मॉस्किटोज हैव फेल्ड मतलब मॉस्किटोज बढ़ गए मॉस्किटोज की वजह से डेंगू भी बढ़ गया तो मतलब डेफिनेटली चिकनगुनिया तो बढ़ेगा ही बाकी सारे ऑप्शंस या तो पॉजिटिव है या तो एयर मीटर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ठीक है हमें अब्रॉड और वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट पीपल और पीपल देयर ठीक है प्रेजेंस ऑफ ऑफ अदर इंडस्ट्रियल एरिया आउट कॉन्टेक्स्ट है उससे मॉस्किटो का कुछ लेना देना नहीं है ठीक है मोर नंबर ऑफ आर रिपोर्टेड दिस इज अ पॉजिटिव ऑप्शन अच्छी बात है यार लेकिन आपको नेगेटिव क्योंकि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है सो so, इससे क्या सीखते हैं हम लोग फोकस ऑन द टोन ऑफ द पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव नेगेटिव चलो एक और एक और बहुत मजा आ रहा है सर अ मेजोरिटी of the most productive employees at GCS a software consulting firm work for 10 hours a day four days of the week instead of the conventional eight hours a day five days a week they all work for 40 hours a week but their arrangement is compared to this observing this GCS's CEO plans to keep offices closed on Fridays and having all employees work the same schedule डे फोर डेज अलो बेसिकली है, so है सबके लिए ऐसे होने वाला है कंक्लूजन so देखो वैसे लास्ट लाइन भी होता है लेकिन यह सब जो हो रहा है बेटा ये सारा डेटा है, है इसको आपको अज्यूम टू बी ट्रू करना है कंक्लूजन पे ध्यान दो अभी सवाल पे आओ शांति से करेंगे Which of the following, if true, if true मतलब के no change as it is अमित सर ने सिखाया, would cast most serious doubt. Doubt का मतलब है contradict, उल्टा. देखो बेटा सोच, ऐसे देखते चलो. तो अगर ऑप्शन ऐसे का ऐसे है कंक्लूजन पे कौन सा अटैक करेगा उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा ठीक है ऑन द सीओ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय फॉलोइंग द न्यू वर्क वर्कड्यूल तो वो ऑप्शन निकालो जो सीईओ के प्लान को कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा उसके अगेंस्ट बोलेगा सीईओ का क्या सोचना है ऐसा करने से ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अभी उसका ऑपोजिट करो टिपिकली जीसीएस एम्प्लॉइज लीस्ट प्रोडक्टिव आवर्स इन द वर्क प्लेस आर द अर्ली आफ्टरनून आवर्स इसकी वजह से सीईओ का प्लान कॉन्ट्रोडिक्ट होगा वर्किंग टेन आवर्स अ डे हैज अलाउड द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज टू वर्क टू आवर्स अलोन ईच डे इन दर रिस्पेक्टिव ऑफिस रेलेटिवली अनडिस्टर्ब बाई फेलो एम्प्लॉयज इसकी वजह से प्रोडक्टिव इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या पीपल यू हैव टू फोकस ऑन दैट ठीक है जीसीएस एम्प्लॉज हुआ फोर डे वर्क वीक डू नॉट टेक एनी ऑफ दियर ऑफिस वर्क टू डू एट होम ऑन फ्राइडेज ठीक है मतलब के सारे जो लोग है अपना काम ऑफिस में आके ऑफिस में ही खत्म करके जाते हैं ये डन डील है डी नन ऑफ दॉज फोर डेज अ वीड वॉल्टियर वॉलंटियर मतलब के ऑफर ठीक है टू वर्क दैट स्केड ऑल वर असाइन टू इट बायर सुपरवाइजर्स मतलब किसी को चाहिए नहीं था सबको जबरदस्ती दिया गया ठीक है सुनो so, no. एक बार conclusion फिर से देख लो ठीक है सीओ प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अभी आपको उसके हिसाब से आंसर ऑप्शन लगाना है ठीक है सो so, पीपल पहले खुद से लगाओ उसके बाद हमेशा सिखाएंगे बताएंगे ए और बी और सी और डी ठीक है तो मैं वीडियो को पॉस, वीडियो को को पॉज आप प्लीज पॉज करो मैं आंसर दिखा रहा हूं इन थ्री टू वन एंड अभी देखो बेटा ध्यान से देखो ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग था ये अर्ली आफ्टरनून आवर्स इज आउट ऑफ कॉन्टेक्सट या तो इसको आप वेग बोल दो इससे क्या पता चलता है हमें क्या पता अगर मॉर्निंग में आफ्टरनून में हमने तो खाली दस घंटे बोला है भाई ठीक है तो अर्ली आफ्टरनून आवर्स में हमें कुछ लीस्ट प्रोडक्टिव आर्स एंड एवरीथिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सी फोर डे वर्क वी डू नॉट टेक एनी ऑफ दर्क टू डू एट होम क्योंकि ना आप ऑफिस में काम खत्म करके जाते हो घर पर नहीं बेटा आपका कंक्लूजन देखो फिर से कंक्लूजन इज पॉजिटिव ठीक है इट वुल इंप्रूव ऑप्शन इज पॉजिटिव लेकिन क्वेश्चन देखो बेटा इसीलिए कंफ्यूज मत हो स्ट सीरियस डाउट कॉन्ट्रडिक मतलब ऑपोजिट आपको negative option चाहिए, आपको negative option चाहिए, जो उसको अटैक करे इसीलिए ठीक है इंटरेस्टिंग है, है ये नेगेटिव है ठीक है कि सबको दे दिया किसको चाहिए नहीं था लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी का क्या हुआ हमें पता चल रहा है क्या नहीं पता चल रहा है ठीक है हाँ उनको चाहिए था जैसे वो पॉपुलर सपोर्ट ऑन ग्रीस पॉपुलर सपोर्ट है इसलिए ग्रीस शुड एग्जिट ये नहीं पता यार तो नन ऑफ देम हैड वॉलंटियर टू वर्क दैट स्केड्यूल ऑल वर असाइन सो बेटा ये ऑप्शन ना थोड़ा डिस्टॉर्टेड है ठीक है हमें ये इनकम्प्लीट बोल दो चलेगा ठीक है हमें श्योर नहीं है कि उन्हें मिला या ना मिला अभी बी देखो Working ten hours has allowed the most productive employees to work two hours alone each day in their respective relatively undisturbed. Will has this led to increase in productivity? Yeah. So Vita, this is very interesting. <laughs> when are you productive? ठीक है जब आप साथ में काम करते हो मिलजुल के काम करते हो लेकिन अलोन मतलब कि ना मैं अकेला काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है आप अकेले काम कर रहे हो क्योंकि आपके साथ कोई नहीं तो ये स्केड्यूल में कुछ तो अड़बड़म गड़बड़म बड़बड़म है एंड दैट इज वाई बी इज दी आंसर ये कैट लेवल है ठीक है तो बेटा देखो ये पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है इसको आप प्लीज पढ़ लेना अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं समझाया एंड अगेन इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉमेंट इन द वीडियो एंड लेट मी नो आई विल रिप्लाई टू यू ठीक है सो बेटा वापस से बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड के वाई ऑप्शन बी इज द द ओनली वन दैट सीईओ का प्लान बेसली अरे ये तो सबके सबका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं uh, अभी बहुत थोड़े बेसिक्स भी कर लेते हैं and, and assumption के देन वी आर डन इट इज समाइम्स मूटेड मूटेड मतलब डिसमिस्ड वैसे आपको पता बताना चाहिए नेगेटिव वर्ड है दैट कैन बी डेमोक्रेसी इन अ टू पार्टी सिस्टम ठीक है कि दो पार्टीज होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होता है दैट वुड बी करेक्ट इफ इफ पॉलिटिक्स वर अ गेम लाइक क्रिकेट और फुटबॉल ठीक है सो मतलब कि पॉलिटिक्स का कंपैरिजन किया है क्रिकेट या फुटबॉल से ठीक है अगर तभी होगा ना बट देन दिस इज पॉलिटिक्स एंड नॉट स्पोर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रेंदन द आर्गुमेंट क्या आर्गुमेंट के टू पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी कौन सा इसको स्ट्रेंदन करेगा टू पार्टी सिस्टम फंक्शंस वेल पॉलिटिक्स इज डर्टी टू पॉलिटिकल पार्टी लिमिट द चॉइस ऑफ द वोटर्स या नन ऑफ दीज ठीक है सो बेटा वंस अगेन द आर्ग्यूमेंट मतलब के जो ऑथर ऑथर ने है। author ने बोला बोला है है कि पॉलिटिक्स अगर गेम लाइक क्रिकेट और फुटबॉल होती बट पॉलिटिक्स इज नॉट स्पोर्ट्स टू पार्टी सिस्टम को डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं इसको कौन सा ऑप्शन सपोर्ट करेगा कौन सा ऑप्शन इसको और उभारेगा ठीक है ए और बी और सी और डी तो प्लीज पॉज द वीडियो ठीक है आप आराम से आंसर लगाओ एंड अनपॉज करके फिर आंसर को कंपेयर करो 100% परसेंट फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज दैट टू पार्टी फंक्शन वेल जबकि ऑथर ने उस कॉन्सेप्ट को डिसमिस कर दिया है दिस इज वीकनिंग एट दिस इज ऑपोजिट ऑफ दैट बी पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स इसको एक्सट्रीम भी बोल लो या फिर उससे क्या फर्क पड़ता है टू पॉलिटिकल पार्टी लिमिट द चॉइस दिस ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन दिस इज इन फैक्ट इंटरेस्टिंग यार वोट ही किसके लिए करेंगे दो ही तो पार्टियां हैं ठीक है नन ऑफ दीज तो निकल गया करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी आंसर एक्सप्लेनेशन दिया आई होप ये सबको समझा बेटा अगर आपको समझ आ रहा है मजा आ रहा है तो जाके कॉमेंट सेक्शन में प्लीज एक दिल और एक फायर इमोजी जरूर लगाना और अगर बहुत मजा आ रहा है तो मेरे को बताना मैं और वीडियोस ऐसे लेके आऊंगा हम सॉल्व करेंगे ठीक है एक और सेम क्वेश्चन में मेरे को बताओ अभी वीकेंड कौन सा करेगा सेम क्वेश्चन में ठीक है गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज प्लेड लाइक एनी अदर गेम फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल ठीक है पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्पोर्ट पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल फॉर पावर या नन ऑफ दीज कौन सा ऑप्शन इसको अटैक करेगा जल्दी जल्दी जाके लाइव चैट और कॉमेंट्स में लिखो वीडियो को पॉज करो सोचो समझो आई एम शोइंग द आंसर इन थ्री टू वन ठीक है तो so, देखो बेटा वापस से आपको बोल रहे हैं इफ पॉलिटिक्स वर अ गेम लाइक क्रिकेट और फुटबॉल लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट स्पोर्ट्स ये आपका कंक्लूजन है weekend मतलब इसका उल्टा पॉलिटिक्स इज नॉट स्पोर्ट्स मतलब पॉलिटिक्स इज स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक फुट उल्टा हो गया ना उल्टा हो गया ठीक है पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्पोर्ट तो बेटा इट इज सपोर्टिंग बिकॉज वो रिपीट कर रहा है आपको बोला है वीकेन वीके मतलब अपोजिट ठीक है अच्छा स्ट्रगल फॉर पावर इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए ठीक है कि पॉलिटिक्स को ऐसे ही खेलो जैसे फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हो यार दो पार्ट दो टीम का गेम एक और देन वी आर डन ठीक है सेम क्वेश्चन फिर से जान बुझ के टू टीच यू ऑल द बताओ इसका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है याद रखो इट शुड बी लॉजिकल इट शुड बी रेलिवेंट ठीक है पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम

इन वन एंड हंड्रेड परसेंट बेटा देखो पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम इज एक्चुअली ठीक है इज एक्चुअली रिपीट सेम हो गया रिपीटेशन इज नॉट एन अजामशन क्योंकि वो दिया अजामशन इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड टू पार्टी सिस्टम इज आइडियल इज अपोजिट ये हम लोग बोल रहे हैं देर कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी इन टू पार्टी सिस्टम अच्छा क्रिकेट इज प्लेड बाय टू टीम्स एंड दैट इज व्हाई पॉलिटिक्स कैन नॉट बी प्लेड बाय टू टीम्स बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्पोर्ट दिस इज द परफेक्ट एजाम्शन करेक्ट आंसर इज ओनली आंसर ऑप्शन थ्री बिकॉज इट्स द वैलिड थॉट प्रोसेस देखो तो आंसर एक्सप्लेनेशन प्लीज पढ़ लेना शांति से सब पढ़ लेना एंड पीपल दैट्स इट ठीक है सो आई होप ये इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको हेल्पफुल था मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना डिड यू इंजॉय वुड यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस तो डेफिनेटली वहां पर यस येस यस लगाना मुझे बताना आपको और कौन से कौन से प्रॉब्लम्स है अमित सर क्रिएट एंड गेट आई होप यू गाइज एट वन स्टे ट्यून अभी तो बहुत सारी कैट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्ट्रैटेजीज आने वाली है इंक्लूडिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे दे क्या करें सर uh, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर प्लीज स्टे सेफ प्लीज रॉकिंग दिस इज अमित सर साइनिंग